Hi guys, myself Kunal, and we are learning about machine learning in these tutorials. So last video tak humne padha ki data science kya hai. Okay, now let's learn something about ki hum data se learn kya kar rahe hain. Okay, so machine learning is all about learning from data, right? So it's about learning from data, right? तो अब आता है कि हम data से learn क्या कर रहे हैं. सबसे पहले जब भी आप machine learning की कोई problem start करेंगे तो first question that you will ask to yourself is कि जो हमारे पास data है, after everything starts with data, so क्या हम इस data से क्या हम कुछ learn कर सकते हैं? Can we learn from this data? Okay. अगर हम डेटा से लर्न कर सकते हैं तो वी विल यूजिंग डेटा साइंस वट वी विल डू विल डू मॉडल बिल्डिंग. ओके, हम क्या करेंगे कि अच्छा, मॉडल बिल्डिंग का क्या प्रोसेस है कि जैसे हमारे पास ये एक डेटा जो हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लिया था, लेट्स से दिस इज अवर जीपीए वर्सेस सैलरी का. ओके, अब हमें जो हमारे पास ये डेटा है, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द पैटर्न्स इन द डेटा एंड देन वी नीड टू बिल्ड we need to summarize this data in a mathematically precise way. Okay, so अगर आपने इस डेटा से कुछ ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ किया, salary is equal to A plus B into GP. So हमने क्या किया, हमारे पास जो भी डेटा था उससे हमने एक मैथमेटिकल उसको हमने बेसिकली एक मैथमेटिकली प्रिसाइज वे में डिराइव कर दिया. So this is called model building. तो हमने एक ही मॉडल बिल्ड किया. एंड इफ यू नो अबाउट दिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लीनियर लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो हमने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर दिया इस डेटा से. ओके, दिस इज डेटा साइंस. नाउ व्हाट इज मशीन लर्निंग? अगर हम ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मॉडल बिल्डिंग, अगर हम इसको ऑटोमेट कर दें, सो बेस्ड ऑन दिस डेटा वी फाइंड पैटर्न्स इन द डेटा और उसके बेसिस पे हम ये जो मॉडल बिल्डिंग का टास्क है ये ऑटोमेट कर दें, सो दिस इज कॉल्ड आवर मशीन लर्निंग, राइट? ओके, तो अब हम ये जो हमने एग्जांपल लिया, दिस वाज आवर 2D स्पेस y इज इक्वल टू mx प्लस c. अब लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है. हम एक बार में इसको इरेज कर देता हूँ. तो ये जो हमारा एग्जांपल था, इसमें हमारे पास 2D स्पेस था, राइट? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेट से जो इन जनरल हमारा डेटा होगा, जिसमें देयर विल बी मल्टीपल रोज एंड देयर विल बी मल्टीपल कॉलम्स. राइट? सो इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं सबसे पहले कि जो भी हमारा लेट्स से दिस इज सीरियल नंबर, एज, ग्लूकोज लेवल, ओके, एंड जो हमें फाइनली प्रिडिक्ट करना है वो है शुगर क्वांटिटी की, पर्सन में शुगर लेवल क्या है. ओके, ये इंसुलिन लेवल है लेट्स से. और इसी तरह ही लेट्स से बेस्ड ऑन द शुगर लेवल
हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि उसकी जो इंसान है उसकी एवरेज एज क्या होगी अगर उसके अंदर इतनी क्वांटिटी है तो, ठीक है. एंड वी हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर इट. सो जो इसमें एज है दैट विल बी अवर आउटपुट एक्सिस. सो जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, लेट्स से एज, और ये जो है बाकी डेटा, एवरीथिंग विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ इट. सो लेट्स से अगर हम एक लीनियर मॉडल एज्यूम करें तो कुछ कैलकुलेशन ऐसे होगी, ए इंटू इंसुलिन लेवल प्लस बी इंटू शुगर लेवल प्लस एटसेट्रा, ठीक है. तो पॉइंट अभी ये मॉडल बिल्ड करना नहीं है, पॉइंट ये है कि ये जो डेटा है ये डेटा पॉइंट में हर एक कॉलम, हर एक कॉलम जिसपे कि आपका आउटपुट डिपेंड करता है वो एक प्लेन को डिनोट करता है. सो जब हमारे पास दो कॉलम थे, सो एक बार आप देखना इसको इस तरह से विजुलाइज करने की कोशिश करना. जब हमारे पास दो कॉलम थे तो हमने एक कॉलम पे लिखा था सैलरी और एक पे लिखा था जीपीए, राइट. नाउ इफ यू हैव मल्टीपल कॉलम्स तो इसी तरह के ही और डायमेंशंस ऐड होते हैं, ठीक है. सो वी विल मूव इनटू मल्टी डायमेंशनल प्लेन. मैं यहाँ पे बस आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी समझा रहा हूँ कि कितना टफ हो सकता है मशीन लर्निंग मॉडल. सो हम यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल प्लेन से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या है और हमारा फ्यूचर आउटपुट क्या हो, ओके. एंड हर जो डेटा है, हर जो रो है, ओके, ये तो हमने कॉलम की बात की. सो हर कॉलम इस मल्टी डायमेंशनल स्पेस में एक एक्सिस को बिलोंग करेगा, राइट. और जो हर रो है दैट विल बी एन इंडिविजुअल पॉइंट इन दिस स्पेस. जैसे कि यहाँ पे हर जो रो थी वो आपका कॉम्बिनेशन बता रही थी जीपीए वर्सेस सैलरी का. इसी तरह ही इस मल्टी डायमेंशन प्लेन में जो हर जो पॉइंट होगा दैट विल बी अवर ईच रो. सो दिस इज हाउ वी रिलेट सीएसवी और एक्सेल फाइल टू अवर मैथमेटिकल मॉडल. ओके गाइस, आई एम अज्यूमिंग कि यहां तक आपको सब क्लियर है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू. सो अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग कितने तरीके की है. सो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ओके. सो बेसिकली मशीन लर्निंग तीन टाइप की वी कैन से होती है, ओके. फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज्ड, एंड द थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो जैसा कि नेम क्लियर है, सुपरवाइज लर्निंग, इफ यू आर सुपरवाइजिंग द मशीन लर्निंग मॉडल कि उसे क्या सीखना है तो दिस इज कॉल्ड आपकी सुपरवाइज लर्निंग, ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये पता है कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है तो ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग हुई. जैसे कि मैंने अभी लास्ट में एग्जाम्पल दिया था आपको एक, कि लेट से हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा, ओके, लेट्स टेक अ न्यू एग्जांपल, जिसमें हमें पता है कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ओके, और हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि विनिंग टीम कौन सी होगी, ओके. और हमारे पास इनपुट क्या है कि प्लेयर कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड कौन सा मैच है ये, लेट से T20 है और नॉर्मल मैच है वनडे मैच, ठीक है. और हमारे पास ये है कि पिच कौन सी है,
और लेट्स से ये मैच खेला कहाँ जा रहा है, और हमें इसके बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि ये मैच कौन सी टीम विन करेगी। सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। हम ऑलरेडी बता रहे हैं डेटा को कि आपको क्या देखना है, जो आपको डेटा इनपुट मिल रहा है उसमें हमें हम ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। सो आवर वाई वैल्यू इज फिक्स, हमें जो आउटपुट चाहिए वो फिक्स है। जैसे कि हमारे पास जो एक ग्राफ था और से डेटा था जिसमें हमें जीपीए वर्सेस सैलरी देखनी थी, इसमें हमारा आउटपुट फिक्स था कि हमें सैलरी चाहिए। सो इन जीपीए वर्सेस सैलरी दिस विल बी अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। नाउ व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग? अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या देखना है तो दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं अमेज़न। ओके, अब अमेज़न के पास डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब उसको डेटा जनरेट करना है कि कौन सा कस्टमर किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम मैन वर्सेस गर्ल का और से मैन वर्सेस वुमेन का। सो ये मेल है, ये फीमेल। ओके, अब इन्हें इस तरह से कैटेगराइज करना है कि जो मेल है वो ज्यादातर हेडफोन्स देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादातर शूज देखती हैं, ड्रेसेस देखती हैं। ओके, सो इस तरह की कैटेगरी बनानी है, या इस तरह से कैटेगराइज करना है कि ये जो दीज आर द आईडीज विच जनरली बाय मिल्क फ्रॉम अमेजोन, एंड दीज आर द आईडीज विच जनरली बाय फूड फ्रॉम अमेजोन। ओके, एंड दीज आर द आईडीज विच डू फैशन स्टफ फ्रॉम अमेजोन। इसका फायदा क्या होगा कि इन्हीं जो एड्स दिखाई जाएंगी वो इनके बेसिस पे होंगी कि ये किस कैटेगरी में लाइज करते हैं। ओके, सो यहाँ हम कुछ डायरेक्शन नहीं दे रहे मॉडल को, हम उसे कह रहे हैं कि आपके पास एक ग्राफ है। ओके, सो इसको इस तरह से देखते हैं कि जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की, ठीक है, उसमें हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का, हमें पता था वाई एक्सिस क्या है, हमें पता था एक्स एक्सिस क्या है और हमें क्या प्रिडिक्शन करनी है। ओके, इन अनसुपरवाइज लर्निंग जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्लस्टर बेस्ड एल्गोरिथम का। ओके, सो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये इन जनरल जब भी विजिट करते हैं ये फूड आइटम सर्च करते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो जब भी विजिट करते हैं, और लेट्स से ये टाइमिंग ऑफ पीपल है कि ये लोग किस टाइम जब भी विजिट करते हैं तो दे गो फॉर फैशन स्टफ, और ये टाइमिंग है जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टफ की तरफ मूव करता है। सो अब इस एल्गोरिथम ने क्या किया, इन लोगों को अपने आप ही इन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सो वी हैव कैटेगोरियल टाइप ऑफ डेटा, हमारे पास कैटेगरी डिसाइड करनी है इन जनरल। सो दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या कहते हैं इसे? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, अब हमारी जो तीसरी टाइप है वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमें ना तो कुछ प्रिडिक्ट करना है, ओके, ना ही हमें कुछ कैटेगरी डिसाइड करनी। हमें क्या करना है कि धीरे धीरे उस मॉडल को और परफेक्ट बनाना है, उसको और ट्रेनिंग देनी है। सो लेट्स से ये आपकी एक सेल्फ ड्राइविंग कार थी। ओके,
जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है, ये इमेजेस देख रही है, लेट्स से इसने रेड लाइट की इमेज देखी और यहाँ पे रेड लाइट थी, ये आपकी रेड लाइट, ओके। सिमिलरली ये आपकी ग्रीन, जब इसने रेड लाइट देखी तो ये रुक गई, ओके। ये इसका अभी तक का था कि इट हैज दिस मच सेंस कि जब इसने रेड लाइट देखी तो ये स्टॉप हो गई, ठीक है। बट जब इसने ग्रीन लाइट देखी तो इसने वापस से मूव करना स्टार्ट नहीं किया, ओके। सो नाउ वी आर गिविंग पॉइंट्स टू दिस एल्गोरिथम कि ओके, अगर आप ग्रीन पे स्टार्ट कर रहे हो देन दिस इज द एडिशनल पॉइंट्स टू यू, सो वी हैव गिवन 10 पॉइंट्स। So next time, if the algorithm find out a green signal, it will start working. Because हमने कुछ reinforce किया क्योंकि यहाँ तक इस algorithm ने already define कर लिया था कि red पे stop करना है. But इस algorithm ने क्या नहीं देखा था कि green पे वापस move भी करना है. कि green पे वापस move भी करना है. So ये हमने इसमें addition add किया. Or we have improved this algorithm. We are reinforcing the changes into this algorithm. So this kind of machine learning model is called reinforcement. Okay, guys. So आपको I hope कि तीनों type के machine learning model समझ में आए होंगे. अब in from the next videos हम एक-एक machine learning के type की deep में study करेंगे. We'll study about supervised learning first. Then we'll go with unsupervised learning, and then we'll see if we can go with reinforcement learning or not. Okay. So, बने रहिए चैनल के साथ, keep subscribing and keep liking the videos. यार बहुत time लगता है इन videos को बनाने में. Thank you guys. Bye.